भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, हरे कृष्णा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरे कृष्णा जिंदाबाद, जिंदाबाद दोस्तों। मैं भी मेहता, आप देख रहे हैं डायरेक्ट रोड की। इस समय सिविल लाइन में है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेके आज मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का पुतला फूका गया है। आइए उसमें जानते हैं क्या क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण है, इस चीज को लेके आज फूका गया है पुतला। आज जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देश पर, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी के निर्देश, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के निर्देश पर, प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर, आज जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर आज हमने पुतला दहन किया भाजपा सरकार का। डबल इंजन की सरकार इस देश का बेड़ा गर्क करने को तुली हुई है। महंगाई इस चरम चरम है, गरीब आदमी बड़े परेशान, बेरोजगारी को लेकर परेशान है, भ्रष्टाचार इतना हर के पैड़ी पे। अभी कोविड को लेकर झूठी रिपोर्ट बनाई गई और उनके पैसे 1,80,000 रुपए लिए गए भी कैंडिडेट से, और वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा ने बांटे। इतनी जब आपकी सरकार थी भ्रष्टाचार होता तो उसकी जांच क्यों नहीं बैठाई भाई? 5 साल होने जा रहे हैं भाजपा की प्रदेश की सरकार, कहाँ है वो, कहाँ है कोई जांच हुई? उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? सीबीआई के छापे क्यों नहीं गिरवाए? ईडी के छापे क्यों नहीं गिरवाए? आज जो है उनका इतना बड़ा भ्रष्टाचार कुंभ के अंदर पकड़ा गया। अभी कोवैक्सीन लगी, बताओ कहाँ पे लगी है? फर्जी कंपनी बना के दिखा दी। नोएडा के आदमी, नोएडा की औरत, वो उनको ठेके दे दिए, वो वहाँ पे कैसे हुआ जो है? यानी जनता की महंगी और जो गाड़ी कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई का प्रदेश की और देश की सरकार दुरुपयोग कर रही है, और बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है, महंगाई किस कदर बढ़ गई है, वो आप सब देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहते हो जो विकास हमारी पार्टी में आज तक कराया है सरकार ने, आज तक कांग्रेस दिखाया करा के, अगर खोते तो हम थोड़ा बोलते हैं। क्या विकास किया? रोड बनवा दी, जो 70 साल में हमने विकास, 70 साल में हमने विकास किया था, हमने बिल्डिंग इमारत खड़ी करी थी, उनको बेचने का काम करा इन्होंने, और क्या काम करा इन्होंने बताओ? किसी को रोजगार दिया हो, 15 लाख रुपए किसी खाते में आए हो, आपने काले धन को वापस लाए हो, महंगाई पे आपने कंट्रोल किया हो, कहीं पे कुछ तो किया हो, कुछ तो बताएं कि अपने 15 लाख खातों में दे दिए, हमने महंगाई पे रोक लगा दी, काला धन वापस आ गया, कहाँ आया वो? सब जुमलेबाजी की सरकार है, प्रदेश की, देश की। मोदी जी से ट्रेनिंग ले, उत्तराखंड ऐसा एक छोटा प्रदेश है जिसके अंदर हर आदमी त्रस्त है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, मुख्यमंत्री बदल बदल कर उनको ट्रेनिंग दे रहे कि आज तू बैठ जा। आप एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि कितना अमला जमला है, कितनी सिक्योरिटी लगती है, उसे कोठरी दी जाती है। कह रही है सरकार चुनाव देख रहे हैं 2022 के, 60 पार की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस बारे में क्या कर रहा है? देखिए बीजेपी जो है जुमलों की पार्टी है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया इन्होंने, डबल इंजन की सरकार ने, ना बेरोजगारी दूर करी, ना युवाओं का रोजगार दिया, और ये काले धन की बात करते थे, कौन सा ये काले धन लेकर आए इन्होंने? नोटबंदी करके देश को बिल्कुल 20 साल पीछे खींच के रख दिया। तो मैं आपको ये बताती हूँ, जो ये पुतला दहन था हमारा, ये बेरोजगारी के लिए था, महंगाई के लिए था, और महिला सुरक्षा की बात करते हैं लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके सारे नेता महिलाओं के लिए इंक्लूड हैं कि इन्होंने किस तरीके से बलात्कार करा, और ये पार्टी जो है अपने विधायकों को बचाने में लग रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2022 है और जनता वोट की चोट मारेगी और इनको बताएगी कि इनका साठ कैसा है, इनका सुपड़ा साफ होगा उत्तराखंड से, और इनको ये देख लीजिए आप कि इनको जगह नहीं मिलेगी कहीं पे, कि हम कहीं पे खड़े भी हो जाएं। और ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, जात पात की बात करते हैं ये लोग, वैसे मंचों पे ये कहते हैं कि जात पात सब एक है, और वैसे ही जात पात की बात करके लड़ाई और नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसी सरकार से पूरा उत्तराखंड, पूरा हिंदुस्तान उब चुका है, डबल इंजन की सरकार फेल है और बिल्कुल खत्म होगी अब की बात।
आप देखो यहाँ पे महाराज लक्ष्मी चौधरी जी समय हमारे साथ थी। सर आप क्या बोलेंगे जिस तरह से महंगाई के हो रहे हैं और हम बात करते हैं महंगाई की, सरकार बात करती है, सरकार कहती है कि ये चीज नहीं हो रही है, ये हम जो तेल महंगा हुआ है, जो सरकार कहती है तेल तो हर सरकार महंगा होता है, हमें थोड़ा महंगा किया, अब इसमें आप क्या कहेंगे? सरकार तब भी तेल महंगा हुआ था, कांग्रेस सरकार में कभी 25 पैसे अगर बढ़ जाते थे तो ये विरोध धरना प्रदर्शन करते थे, अब ये 5-5, 10-10 रुपए बढ़ा रहे हैं और गैस का भी इन्होंने यही हाल कर दिया, 325 रुपए से लेगा अब ये 925 रुपए में गैस सिलेंडर लेके आम आदमी गरीब आदमी सब बिल्कुल त्रस्त है। और अब भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने के लिए माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक तरह से लामबंद है और पूरा जन समर्थन मिला इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए हरीश रावत जी को। 2022 में कांग्रेस पार्टी का क्या देखते हैं आप? 2022 में 60 पार तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी का इस बार बोल रही है? भाजपा का सूप बड़ा साफ होगा और कांग्रेस पार्टी 70 की 70 सीटें हासिल करेगी हरीश रावत जी के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया कि इस बार कांग्रेस पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटें जीत कर जाएगी, तो खैर वक्त ही बताएगा क्या होता है। जो महंगाई और भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा था उसको लेकर आज कांग्रेस के सभी